नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। यूपी के बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष आज तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। वहीं किसानों का कहना है कि एसडीएम सिकंदराबाद बिना उनसे वार्ता की और अपने ऑफिस को छोड़कर निकल गए। किसानों का कहना था, उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया था लेकिन बिना वार्ता करे तहसील परिसर छोड़कर चले गए। वहीं किसान नाराज होकर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि जब तक एसडीएम सिकंदराबाद वार्ता करने के लिए नहीं आएंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी में कर्मचारियों को निकाले जाने के संबंध में आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को कंपनी प्रबंधक से करनी थी वार्ता। कंपनी प्रबंधक की ओर से आश्वासन नहीं मिलने के बाद किसान एसडीएम सिकंदराबाद से मिलने पहुंचे थे। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सिकंदराबाद तहसील परिसर में अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए। मैं पवन तेवतिया, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत से। अभी लॉकडाउन के नाम पे एक कंपनी है सिकंदराबाद इंडस्ट्री एरिया में, द इंदौर प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने करीब 24-25 लोगों को, जो करीब 24 साल से कार्यरत थे उस कंपनी के अंदर, लॉकडाउन के नाम पे निकाल दिया। लॉकडाउन में छुट्टी थी जो 2-2.5 महीने की, उस समय से उनकी बहाली नहीं करी गई और ना ही उनको कोई मेहनताना मिल रहा है और ना ही उनकी जो रॉयल्टी और ग्रेजुएटी बनती थी वो अभी तक मिली है। इस संबंध में हमने 4-5 दिन पहले एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था और एसडीएम साहब से कहा था कि आप लेबर वालों को और कंपनी वाले लोगों को बुला लो और बैठ के वार्ता होके इन लोगों को कार्य पे रखवा दीजिए, इन पे रोटी रोजी का संकट मंडरा रहा है। आज हम सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच गए, लेकिन जो एसडीएम साहब का रवैया देखने को में आया है, एसडीएम साहब का रवैया बिल्कुल तानाशाही वाला रवैया रहा है। ना ही तो हमारे बीच में एसडीएम साहब उपस्थित हुए और ना ही इन्होंने किसी भी सक्षम अधिकारी को हमारे बीच में आने दिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।